अपना मल्ली ट्रेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ का मूर्ति साबुन में बना करके दिखाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। तो ये बोर प्लस का साबुन लिए हैं और ये महादेव जी का है। तो इसे ब्रश से डिजाइन कर लेते हैं। स्केचिंग से भी कर सकते हैं, मगर बात यह है कि स्केचिंग साबुन पर अच्छा से नहीं चल रहा था, इसलिए पेंटिंग से ही कर लेते हैं, यानी ब्रश पेंट से ही कर लेते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से शिव जी का ड्राइंग कर लीजिएगा। भोलेनाथ का पेंटिंग हो चुका है, अब कटिंग करेंगे। तो हल्के हल्के करके कटिंग करेंगे, एक बार में पूरा नहीं करेंगे। अगर जो एक बार में पूरा कटिंग करेंगे तो टूट जाएगा कहीं से भी, इसलिए हल्के हल्के करके कटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए कटर यूज़ किए हैं। तो अब हल्के हल्के करके फाइनल डिजाइन कर रहे हैं। तो बाल के पास से आप डिजाइन कर रहे हैं। तो पहले फेस का डिजाइन निकाल रहे हैं। तो हल्के हल्के करके फेस के साइड से कटिंग कर रहे हैं। अब गले के पास से कटिंग कर रहे हैं। तो ये फाइनल डिजाइन नहीं है, इसके बाद भी इस पर करेंगे। अब बाल के साइड से पीछे कर रहे हैं डिजाइन करके, बाल को थोड़ा पीछे करेंगे फेस के पीछे, तभी फेस ऊपर आएगा। तो ध्यान से देखें कि किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए बाल को एकदम पीछे कर रहे हैं ताकि फेस ऊपर की ओर आए। पहले नॉर्मल डिजाइन कर लेते हैं टूल की मदद से। अगर जो आप लोग के पास टूल नहीं है तो टूल मेकिंग जा करके देख सकते हैं चैनल पे, या फिर अपना मल्टी टैलेंट, या फिर अमित यूनिक मूर्ति क्रिएटर चैनल पे। अमित यूनिक मूर्ति क्रिएटर मेरा लॉन्ग चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो देखिए बाल का डिजाइन कर रहे हैं आप अच्छे से। अब इसमें फाइनल बाल का डिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो टूल यूज कर रहे हैं ये मार्केट से खरीदे थे ऑनलाइन, करीब 400 रुपये पड़ा था। अब ऊपर का जटा को कंप्लीट कर रहे हैं और गले के पास से अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं। गले को फाइनल अच्छा से कर रहे हैं। कंधे को थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं जहाँ पे भी कर रहे थे, और यहाँ भी कंधे को थोड़ा पीछे कर रहे हैं। अब इसमें युद्राक्ष का डिजाइन करेंगे, युद्राक्ष के लिए लाइन खींच रहे हैं। और ये गोल ऐसा शक्ति पुंज है जो महादेव जी के हाथ में है, जो भी कर रहे हैं। का डिजाइन कर रहे हैं। तो युद्राक्ष में आप लाइन हल्के हल्के खींच करके इसको गोल करेंगे युद्राक्ष को।
इसका डिजाइन को फाइनल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले एब्रो के पास से डिजाइन कर रहे हैं और गाल को थोड़ा ऊपर करने के लिए साइड से नीचे कर रहे हैं गाल के साइड से, और ये नाक का डिजाइन कर रहे हैं। नाक कुछ ऊपर नहीं आया ज़्यादा, और ये आँख का डिजाइन कर देंगे बीच में। अब आईब्रो का डिजाइन कर रहे हैं, तो ये बन करके रेडी हो चुका है। और आप लोग को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम गणेश जी का मूर्ति बना के दिखाएंगे अदर सामून से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।